बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठ गई हो। अरे जूस पी लो ना। इतना हक क्यों? क्या रिश्ता है हमारा युग? अब क्यों शांत है? जवाब दो। मैं तो सिर्फ एक दोस्त हूँ ना तुम्हारे लिए, और दोस्ती में इतना हक नहीं जताता। हर रिश्ते की कुछ सीमाएं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं युग, और अगर हम उन्हें क्रॉस करते हैं तो रिश्ता भी बदल जाता है। क्या तुम ये रिश्ता बदलना चाहते हो? तो ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम पसंद हो। सच्ची? लीजिए ना, लीजिए। अरे लीजिए अशोक बेटा, कुछ तो लो। लो, युग भी आ गया। तू यहाँ क्यों खड़ा है? चल अंदर। काफी ये सब कौन है? ये तेरे लिए रिश्ते की बात करने आए हैं। रिश्ते की बात? चल ना अंदर। यहाँ क्यों खड़ा है? चल। काकू। अरे बस बैठ। बड़ा संस्कारी है हमारा युग, रिया को बहुत खुश रखेगा। I love you. I love you. गुस्सा मत हो युग, मैं ये सब तेरे भले के लिए कर रही हूँ। मैं तुझे शुभ सर के जाल में फंसने नहीं दे सकती। मैं ये शादी नहीं कर सकता। प्रॉब्लम क्या है? बस नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता? कोई तो वजह होगी ना। भाई वजह? तू बड़ी है, पहले तेरी शादी होगी, उसके बाद मेरी शादी होगी। ये कैसा लॉजिक हो? बिल्कुल सही लॉजिक है ताई। पहले तेरी शादी होगी, उसके 1 घंटे बाद मेरी शादी होगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना मैं शादी नहीं कर सकता। हे माता रानी, मैं युग को कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे समझाऊं कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ उसके भले के लिए कर रही हूँ। शुभ सर उसकी जिंदगी बर्बाद करने में तुले हुए हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं शुभ सर को ये तय नहीं करने दे सकती कि युग अपनी जिंदगी में क्या करेगा क्या नहीं, क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ। माता रानी, प्लीज कोई रास्ता दिखाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कहा था कि युग नहीं मानेगा, लेकिन तुम सुनते क्यों? खैर, आज खुशी का दिन है, एटलीस्ट मेरे लिए तो है। तभी तो ये चुनर माता को चढ़ाने आया। पंडित जी, जाते जाते ये तो जानती जाओ कि तुम्हारे भाई ने शादी से मना क्यों किया है। तुम्हारा भाई प्यार में पड़ गया है, मेरी बहन के प्यार में। देखो, ये मैं मानता हूं कि तुम नव्या से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें मेरी पोजीशन भी समझनी होगी। अपनी बहन का दिल टूटते हुए नहीं देख सकता। ऐसा नहीं होगा सर। चुप, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हारी ताई जिस स्पीड से वो चल रही है ना, मुझे तो डर है कि कहीं 3-4 दिन में वो तुम्हारा कहीं रिश्ता ही फिक्स ना कर दे। सर, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए। अगर ऐसा हुआ तो? अगर हुआ तो मैं हैंडल कर लूंगा सर। खेल का रिजल्ट तो पहले ही आ गया था, और एज यूजुअल जीत मेरी है। नव्या का कॉल। हाँ नव्या, ये क्या बात होती है? यो, आज घर में पूजा और तुम ऑफिस में बिजी हो। नव्या, काम भी तो जरूरी है ना। मैं जरूरी नहीं हूँ क्या? मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। ठीक है। शगुन के नारियल आ गए। मैम, प्रसाद में क्या बनाना है? अंजीरे। हाँ हाँ, वो चढ़ेगी। ले आओ ले आओ। जाओ, प्लीज ट्राई करो ना आने का। तुम आओगे तो। अरे रुकी हुई, बोलो। नव्या, तुम्हारी ताई शगुन। ताई? ताई वहां क्या कर रही है? तुम मुझे जब पहली बार मिली थी ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर ये सब कुछ हुआ, और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि बहुत सालों के बाद मेरे घर में खुशियां फिर से लौट आई है, और कुछ हद तक मैं तुम्हें इसकी वजह मानती हूँ। आज घर में पूजा है शगुन, इसलिए मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगी। शुभ सर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? अब कौन सा नया तमाशा करने आए हो यहाँ? इनवाइट करने आए हैं आपको। क्या है? खोल के देख लीजिए। तुम्हारी ताई कोई इनविटेशन लेकर आई है। योग, मेरे भाई की इच्छा थी कि मेरी शादी हो जाए, तो बस उसी की विश पूरी कर रही हूँ। अशोक नाम है। आप लोगों जैसा इतना अमीर नहीं है, पर बहुत ही अच्छा इंसान है। आगे भी है। मेरे भाई की एक और इच्छा थी कि मेरी शादी के ठीक 1 घंटे बाद उसकी शादी हो रिया से। you. शादी में 4 दिन बाकी हैं सर। आप सह परिवार इनवाइटेड हैं। पापा आपकी कृपा सब पे बनाए रखें।